आपके हैं क्या? क्या हुकूमत आपके मामला सुन नहीं रही है, इस वजह से आप जो है वो आर्मी चीफ के सामने वो मामला उठा रहे हैं? और हैं क्या मामला आपके? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट सुन रही है, ये कहना गलत होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े एक्सेसिबल हैं और मैं समझता हूँ उनकी ग्रेटनेस है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को टाइम देते हैं। पिछले साल मैं तो 10-11 दफ़ा मिलके आया था व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट, तो इस दफ़ा भी जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ये भी 2 दफ़ा मिल आए हैं और इंशाल्लाह एक आध मुलाकात आफ्टर द बजट भी ड्यू है, तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो भी कंसर्न को बुलाया जाता है या ये आपकी अपनी ख्वाहिश होती है कि ये मुलाकात होनी चाहिए या आपको इन्विटेशन आता है इस मुलाकात? ये एक्चुअली ये हमारी रिक्वेस्ट थी। हम चाह रहे थे कि कराची के मामला, अच्छा, क्योंकि कुछ बेरोज़गारी भी बहरहाल हुई है उस वजह से भी कि जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े हैं और कराची का जो पिछले साल जो एक जो मामलात हुए थे बारिश के हवाले से जो नुकसान हुआ है उस पर अभी कोई खातर ख्वाह काम होता नज़र नहीं आया। तो ये कराची हाइट्स हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारी टीम वहाँ गई और डेफिनेटली कराची हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा है, मौशी हब है, तो हम चाहते हैं तो नहीं देखिए किसी की शिकायत लगाना मकसद नहीं है हमारा। हमारा तो मकसद है तवज्जो दिलाना और एहसास दिलाना कि जनाब इन चीज़ों पर आप भी एक जामिन और गवाह के तौर पर थर्ड पार्टी आप भी इसमें एंटर हुए थे तो आप भी अपना एक रोल प्ले करें। और आपको पता है सियासी गवर्नमेंट्स तो जो है वो एक पेज पे होती नहीं है, हर वक्त नोक झोंक, आए दिन हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम चैनल्स पर देखते हैं। तो यही था कि हमारे जो इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं या और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्या तय पाया, क्या फैसला हुआ आखिर में? देखिए जी, हमने तो अपनी चीज़ें रखी, उन्होंने भी कहा कि जो गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो बेसिक कंसर्न है और ज़्यादा कंसर्न है, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इंडस्ट्री के जो मामलात हैं किसी हद तक एड्रेस भी हुए हैं और आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ऑटो सेक्टर और ये सारी चीज़ों को देखा है कि वो पॉजिटिव रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स भी दिए हैं जिस वजह से आपके टैक्स के जो रेवेन्यूज़ जो हैं वो 4500 अरब रुपए 11 महीने में इकट्ठे हुए हैं, तो होपफुली इस महीने को 5-6 अरब जो है फर्दर भी इकट्ठे हो जाएंगे।